जिंदगी के खात्मे पर मौत तो जरूर आएगी, लेकिन जिंदगी के अंदर भी मौत है, क्योंकि जीते जीते सब काम करते करते बंदा बाज़ औक़ात महसूस करता है कि जी नहीं रहे और मौत ज़्यादा करीब है और ज़िंदगी कम करीब है। तो कई दफ़ा ये ख्याल आता है कि मौत का एक दिन तो मुअय्यन है, लेकिन ये मौत जो साथ चल रही है इसका हमारी ज़िंदगी में क्या मुकाम है, क्योंकि हमारे अपने एहसास में मौत का एहसास साथ साथ रहता है, चाहे ये बेअमली की शक्ल में हो या नींद की शक्ल में हो। ऐसी कैफियत के वक्त हमें क्या करना चाहिए, इंसान इस कैफियत से किस तरह सबक सीखे। देखो, ये कैफियत सबके लिए नहीं है, एक वाक़े पर सबको एक सा एहसास नहीं होता। बेशुमार लोग मरते हैं और एहसास नहीं होता था, बेशुमार लोग जिंदा हैं और एहसास नहीं होता, और बेशुमार लोग कोई खबर पढ़ते हैं लेकिन एहसास नहीं हो पाता, नफरत करते हैं और एहसास नहीं होता। ये एहसास जो है उससे कुछ लोगों को ब्लेस किया जाता है या आगाह किया जाता है और आपको अवेयरनेस दी जाती है, ताकि ये बताया जाए कि आप जिंदा हैं। ज़िंदगी सबके लिए है, मगर ज़िंदगी का एहसास कुछ लोगों के लिए है, वो गॉड ब्लेस्ड लोग होते हैं। इस ब्लेसिंग के लिए रहमत ज़रूरी है। अगर मौत का एहसास बेअमली की शक्ल में हो तो मौत का ये एहसास दरअसल ज़िंदगी का ही एहसास है। ज़िंदगी का एहसास है ही मौत के दम से, वरना ज़िंदगी का एहसास ही ना होता। ज़िंदगी अगर ऐसे एज इट इज़ छोड़ दी जाए, जिस तरह कोई मादा चीज़ पड़ी हुई है, तो उसका एहसास नहीं होता। ज़िंदगी का एहसास तो मौत ही के ज़िम्मे है। मौत दो काम करती है, एक ज़िंदगी का एहसास देती है, दूसरा ज़िंदगी की हिफाजत करती है। एहसास इसलिए देती है कि आपका जो अमल है उसको आके रोकती है। तकरीरें करने वाला, लिखने वाला और बोलने वाला इंसान नींद की आगोश में चला जाएगा और महसूस करेगा कि मैं और दुनिया में आ गया हूँ। इस तरह अमल में बेअमली पैदा हो जाएगी या अमल से बेजारी पैदा हो जाएगी। ज़िंदगी का मुशाहिदा बाज़ औक़ात मौत की शक्ल में आएगा कि वो आदमी मेरा दोस्त था जो कहीं चला गया। ये चला जाना जो है, इसका एहसास उन लोगों को होता है जिनको ज़िंदगी की थोड़ी सी आगही मैसर होती है। लिहाजा मौत का एहसास जो है ये बड़ी मुबारक चीज़ है और ज़िंदगी के फहम के लिए ज़रूरी है। इंसान सोचता है कि ज़िंदगी क्या चीज़ है, ज़िंदगी मौत से मुलाकात से कबल का लम्हा है। मौत आपके आमने सामने और साथ साथ फिरती है, और उससे मुलाकात से पहले अरसे का नाम ज़िंदगी है। मौत से पहले का फिर पैदा हो तो ये और कैफियत है, और आगही का पैदा होना और कैफियत है। मैं मौत के डर को कैफियत नहीं कह रहा, मौत का डर ना अहली का सबूत है। मौत का डर एक और चीज़ है, ये ज़िंदगी छिन जाएगी। ज़िंदगी को सरमाया समझने वाला ये कहता है कि ज़िंदगी छिन जाएगी। मौत का डर जो है ये मौत से भी बदतर है। मौत तो जो है सो है, असल में तो ज़िंदगी के अंदर मौत का डर ही ज़िंदगी से खौफज़दा करता है। ज़िंदगी में कोई आदमी मौत से नहीं मिला, और जो मौत से मिला वो मौत के डर से मर जाएगा, और जो आदमी मर गया उसे कोई खौफ नहीं है, क्योंकि वो तो चला गया। जो ज़िंदा रह गया उसको खौफ है। ज़िंदा रहने वाला आदमी इमेजिन करता है कि मरने वाला खौफ ज़दा हो रहा है। बेचारे की शक्ल देखो, इसका रंग पीला जर्द हो गया है, हालांकि ये पीला जर्द रंग उसके मिजाज की बात है। खौफ जो है वो ज़िंदा आदमी में होता है। मरने वाला कमाल ये कर जाता है कि वो ज़िंदा आदमी को खौफ दे जाता है, जिसको हम कब्र कहते हैं। कब्र में से किसी मुर्दे ने ये नहीं कहा कि मेरा दम घुट रहा है, क्योंकि दम तो ज़िंदा आदमी का घुटता है। आदमी कहता है कि वह कब्र के अंधेरे में कैसे रहेगा, क्या करेगा। उस आदमी को देखकर ज़िंदा आदमी ये समझता है कि शायद ये कब्र के अंदर मूव करना चाहता है, और उसे मूव करने की ख्वाहिश ही कोई नहीं। उसे खुला मैदान दे दिया जाए तब भी नहीं, क्योंकि वो और दुनिया में चला गया है। सो मौत जो है वो ज़िंदा आदमी को शऊर के साथ साथ एक खौफ देती है। खौफ से बचना ज़रूर चाहिए। मौत का खौफ उन लोगों को होता है जो लोग ज़िंदगी में सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए बैठे हैं। ऐसे लोगों को मौत का खौफ है, और ये उनकी सज़ा है। ज़िंदगी के अंदर बेअमली या बदअमली की सज़ा मौत के डर की शक्ल में है। अमल करने वाले शख्स का अमल चाहे मोहब्बत हो, वो मौत को देखता रहेगा तब भी नहीं डरेगा। उसको कहो कि मौत आ रही है, तो वो कहेगा मौत तो आएगी, लेकिन इस लफ्ज़ का मानी बता दो। वो कहेगा आप मर रहे हैं, लेकिन लफ्ज़ का मानी पूछ रहे हैं। मरने वाला कहेगा मैं बाइज्जत होके मरना बेहतर समझता हूँ, थोड़ा सा आगाह होके मरना चाहता हूँ।
अब वह शख्स अदरवाइज हो गया। ऐसे कुछ लोग भी होते हैं। मौत का मुशाहिदा दरअसल जिंदगी ही का मुशाहिदा है। उससे ना तो फियर क्रिएट किया जाए, ना कोई इसमें अचंभा है, ना ये सुपर नेचुरल किस्म की पावर है। जिंदगी का एक नाम है मौत, और इंसान को इस बात की आगाही हासिल करना चाहिए। इंसान को करना ये चाहिए कि जिंदगी को किसी मुनासिब काम में मसरूफ करना चाहिए। आम तौर पर उन लोगों को नींद नहीं आती जिनको मेहनत नहीं आती। जो मेहनत करते हैं, मजदूर किस्म के लोग, उनमें से किसी ने शिकायत नहीं की कि नींद नहीं आती। वो दिन भर धूप में ईंट गारा पत्थर करते रहते हैं, और रात को उनको बाकायदा नींद भी आती है और भूख भी लगती है। बाकी लोगों में नींद और भूख का प्रॉब्लम होता है, तो मौत का एहसास जो है ये बहुत अच्छे लोगों को मिला करता है। अक्सर लोगों को ये एहसास नहीं मिलता। अगर ये एहसास मिल जाए तो जिंदगी को उसकी प्रॉपर वैल्यू दो और उसकी प्रॉपर कीमत लगाओ। अगर मौत ख्याल के करीब करीब से गुजर जाए कि अब मुझे मौत आने वाली है, तो जिंदगी को उसका मुकाम दिया जाए, यानी मेहनत का, और जिंदगी में बेशुमार ख्वाहिशात जो हैं उनको समेटा जाए और एक ख्वाहिश पर जिंदगी को फर्म किया जाए, और इस ख्वाहिश का नाम जिंदगी रखा जाए। वो कोई ख्वाहिश हो या अमल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये है कि अगर जिंदगी के अंदर एक तमन्ना कर ली जाए तो मौत का डर खत्म हो जाता है। मौत के डर का नुस्खा कीमिया है यक आरजू हो जाना, और ऐसे शख्स को कभी मौत नहीं आती। ज्यादा आरजुओं को कभी जिंदगी नहीं मिलती, और एक आरजू को कभी मौत नहीं आती। एक आरजू का सफर कभी नहीं मरा करता। ऐसे शख्स को कोई फेयर नहीं है, क्योंकि उसकी एक ही आरजू होती है। ज्यादा जिंदगियां ही ज्यादा मौत का शिकार होती हैं, क्योंकि अगर जिंदगी में ज्यादा ख्वाहिशात हैं तो लाजमी बात है कि जो जो सफर गुजरता जाता है तो ख्वाहिशात मरती जाती हैं। ख्वाहिशें वक्त के साथ मर जाती हैं, कुछ ख्वाहिशें माहौल के साथ मर जाती हैं, कुछ तब्दीली के साथ साथ मर जाती हैं। ख्वाहिश का मरना ही इंसान की मौत है। इंसान बेबसी से देखता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता मौत की जद में आ जाता है। एक आरजू वाले ना जिंदगी में मरे हैं और ना जिंदगी के बाद मरे हैं। अगर आज हम अपना इल्म देखें और अपने आप को देखें, तो हमारा इल्म सारे का सारा इल्म कुछ लोगों की बातों को याद करने का नाम है। ये बड़ी ट्रेजिडी है, लेकिन बहुत बड़ी हकीकत है कि हमारा इल्म कुछ लोगों की बातों का नाम है। मसलन इमाम गजाली रहमतुल्लाह की बात हमारा इल्म है, और गालिब, मीर, अरबी का कलाम, अंग्रेजी का कलाम, शेक्सपियर का नाम, और दूसरे जितने लोग जो हैं, अगर इनको आप याद करते जाओगे तो पता चल जाएगा कि आपका इल्म कहाँ से आता है। आपका इल्म चंद लोगों की बातों का नाम है। ये कौन लोग हैं जो आपका इल्म बने पड़े हैं? शेक्सपियर की बात हमारे जहन पे असर करती है, गालिब का नाम हमारे जहन में आता है, और हमारी जुबान पे गालिब का शेर आ जाता है। इकबाल का कहा हुआ आपका इल्म है। अंग्रेजी बोलने वाले इन लोगों की कोटेशंस बोलते हैं। ये सब लोग इस दौर से निकल के कैसे आ गए? तो गोया के वे लोग ऐसे थे कि उन्होंने एक अमल क्रिएट किया, और ये सारे के सारे एक ख्याल के लोग थे, एक ख्याल और एक आरज़ू। इसी तरह वारिस शाह रहमतुल्लाह को देखो, ना रांझे ने कोई ख़ास काम किया और ना हीर ने कोई काबिल ज़िक्र वाक़िया। बस ये वारिस शाह की एक आरज़ू थी कि वो हीर रांझा क्रिएट कर गए, और वारिस शाह के बाद एक किताब क्रिएट हो गई, और आप लोगों पर एक और इजाफी बोझ हो गया। ये हैं एक आरज़ू वालों के वाक़यात कि एक आरज़ू वाली हीर है और एक आरज़ू वाला रांझा है। वारिस शाह हीर रांझा क्रिएट कर गया, तो ये है मौत से निकलने का फार्मूला। और अब मोहम्मद बिन कासिम का अंदाज़ा लगाओ कि 17 साल का नौजवान कैसा काम कर गया। क्या उसका कोई तरीका है? एक सिमत में जाने वाले, एक आरजू में रहने वाले, और उसी पर जिंदगी का दारो मदार करने वाले मौत से ऐसे निकलते हैं कि तारीख में ये मुकाम हासिल कर जाते हैं। और वो जो कसरत ख्याल में रहने वाले हैं, उनका नाम तारीख में नहीं आता। आप हजारों ख्वाहिशात रखते हैं और बहुत सी जिंदगियां गुजारते हैं, इसलिए आपको बहुत सी मौतें मिलती हैं। अगर एक जिंदगी गुजारो तो एक मौत का डर नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कोई खौफ नहीं आएगा। अगर अल्लाह ताला से एक आरजू का सफर मांगा जाए तो जिंदगी के अंदर मौत नाम की चीज नहीं आएगी। जब आएगी तब भी नहीं आएगी। ये ऐसी बात है कि मौत में मौत आती है, तब भी नहीं आती है। जितने भी लोग एक आरजू वाले हैं, उनके जज्बात होंगे, एक्सप्रेशंस होंगे, इमोशंस होंगे, एम्बिशंस होंगे, दूसरे वाकयात होंगे, सितारों के जहां होंगे, और अपनी जगह पर मौत से भी बच जाएंगे। वो लोग मौत के साथ तो ऐसे खेलते हैं जैसे घर का कोई मुलाजिम हो,
वो मौत की परवाह नहीं करते। मौत से डरता कौन है? मौत दो बंदों को बड़ा सताती है, एक तो उसको सताती है जिसको लालच हो। लालच की सजा फियर ऑफ डेथ है। जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करने का जज्बा बीमारी की हद तक हो तो ये लालच है। तो लालच जो है ये मौत का डर देती है, क्योंकि उसको डर होता है कि मेरा सरमाया हयात छीन ना जाए। उस शख्स को पता होता है कि उसके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है और उसे इस्तेमाल तो करना नहीं है। इस्तेमाल से ज्यादा जो कुछ रखा हुआ है वो उसे पता है कि ये बेकार वापस चला जाएगा, इसलिए उसे मौत का डर होता है, क्योंकि मौत उसकी इस तमन्ना को नुकसान पहुंचाती है। दूसरा, उस शख्स को मौत का डर होता है जो एक नकली जिंदगी यानी आर्टिफिशियल लाइफ गुजारे और दूसरों को मिसगाइड करे। उसे पता चल जाता है कि मौत असल रूप में मेरे पास आ जाएगी। जब हम नहीं होते और हम एक बहरूप में होते हैं तो उस आदमी को अंदर से सजा हो जाती है और वो है मौत का डर। वो शख्स जो कुछ कह रहा होता है वो नहीं होता। उसके अंदर खुदा ने कोई ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि उसको मौत का डर लगा रहेगा। मसलन एक बादशाह है, लेकिन वो असल में बादशाह नहीं है बल्कि गासिब है। अब उसे डराने के लिए कोई चीज नहीं है, उसकी राया के पास इतनी ताकत नहीं है कि उसे डराए, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको एक खास मकाम पर रखा हुआ है और उसे फियर ऑफ डेथ होगा। वो अंदर ही अंदर फिरौन की तरह कांपेगा। जब भी कोई फिरौन हो तो डर का नाम है मूसा अलैहिस्सलाम। ये ऐसा हाल होता है कि वो खुद ब खुद ही डरेगा। तो गासिब, जालिम और नकाब पोश को सजा के तौर पर मौत का डर होगा। वो जो है मौत के डर से नहीं बच सकता। एक आरजू को मौत का डर नहीं है। यक आरजू जो है ये खुदाई कर जाती है, और खुदाई किसे कहते हैं? खुदा की खुदाई को। तो एक आरजू वालों ने ही खुदा की खुदाई में खुदाई की। दुनिया के अंदर जितने लोग हैं खुदा की खुदाई में खुदाई करने वाले, वो सब अल्लाह की तरफ से आए हैं या अल्लाह की तरफ से ही आते हैं, और वो सारे के सारे एक आरजू वाले हैं। एक फिक्रा सुनो कि अगर तुम हमारे एक हाथ पर सूरज रख दो, एक हाथ पर चांद रख दो, तो हम अपने ख्याल से बाज नहीं आएंगे। इससे बड़ी यक आरजू कोई नहीं है। अब ये इंसान खुदाई कर रहे हैं। सलाम उन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, और दरूद उन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। फिरौन ने कहा, ऐ मूसा, तुम दर बदर फिरते हो और हमारे घर में ही पले हो। इतनी बड़ी रियासत है, हमारे काम भी आएगी, तुम्हारे काम भी आएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हारा रिज्क नहीं खाया बल्कि मैंने अल्लाह का रिज्क खाया है, और उसी ने हुक्म दिया है कि मैं तुझे आगाह कर दूं कि तेरा वक्त आ गया है, जिस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। फिर एक और शख्स से कहा गया कि तुम खेड़ों के साथ राजीनामा कर लो। तो उसने कहा कि खेड़े मेरे असल से दुश्मन है। रांझे और खेड़े का आपस में कोई काम नहीं। रांझा एक ज़ात है और रांझा एक आरजू है, और खेड़ा उसका हजाब है। एक आरजू वाले किसी हजाब को कबूल नहीं करते। एक आरजू वाले गालिब से कहा गया कि तुम शेर कहना छोड़ दो, हम तुम्हें रियासत दे देंगे। उसने कहा, कभी नहीं छोड़ूंगा। गालिब के पास गरीबी में खाना नहीं है, दाना नहीं है, किराया नहीं है, मकान नहीं है, हाल इब्तर है, लेकिन इसके बाद भी शेर जारी है और इसमें भी गालिब गालिब ही है। तो ये एक आरजू ऐसी चीज है कि मौत की तो इसको परवाह ही नहीं है। तो एक आरजू जिंदगी से मौत को निकाल देती है। मैं ये बता रहा हूँ कि एक आरजू जो है आम तौर पे खुदाई कर जाती है। जितने लोग आपको जिंदगी में मिलेंगे अपनी जिंदगी के बाद मशहूर होने वाले, वो एक आरजू वाले लोग हैं, एक आरजू के मुसाफिर हैं। उन्हें मौत का तो जरा फिक्र नहीं है, वो मौत को साथ लेकर चलते हैं। वो कहते हैं कि मौत तो हमारे साथ है। अब ये जुमला उन्हीं लोगों का है कि मौत तुम्हारी मुहाफिज है। लोगों ने पूछा, कैसे मुहाफिज हैं? उन्होंने कहा कि मौत जो है ये तुम्हारी हिफाजत करती है। जो मुकर्रर शुदा वक्त है उस वक्त तक कोई हादसा तुम्हारे करीब नहीं आने देगी, ये उसकी हिफाजत करेगी। तुम बेशुमार हादसों के जद में हो, लेकिन मौत जो है कोई हादसा नहीं आने देगी। 90 आदमी एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए और एक आदमी बच गया और ठीक ठाक था। किसी ने कहा, तुझे कोई चोट तो नहीं आई? उसने कहा, मुझे पता नहीं कि ये हुआ क्या है। देखा तो सारे का सारा जहाज तबाह हो गया था, जहाज क्रैश हो गया और वो आदमी आराम से बैठा हुआ है। अब ये है मौत का अमल। मौत का अमल जो है वो जिंदगी की हिफाजत करना है, इस चिराग को गुल होने से बचाना है, और जब तक वो वक्त ना आ जाए ये चिराग गुल नहीं होगा। और इस जिंदगी की एक लिमिट है, रोज़े अव्वल से यही है जिंदगी का सिलसिला।
मौत क्या है जिंदगी का आखिरी एक मरहला, पीर पैगंबर वली दरवेश मर्दाने खुदा, मौत की वादी से गुजरे हैं बतस्लीम रज़ा। अब ये गौर करें कि मौत क्या है, अब ये गौर करें कि मौत क्या है। मौत हक से बंदे को मिलाने का सबब है, और ये बंदा हक पे जिंदा है। और हक क्या है, जिंदगी गुजारने का एक अंदाज और एक नज़रिया हयात भी हो सकता है। हक क्या है, मकसद हयात भी हो सकता है। हक क्या है, सिफ्त भी हो सकती है, महबूब ज़ाहरी भी हो सकता है, महबूब बातनी भी हो सकता है, और खुदावंद ताला भी हो सकता है, और खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम भी हो सकते हैं। मौत क्या है, हक से बंदे को मिलाने का सबब, मौत से डरते नहीं जो जागते हैं नीम शब। रात को जागना शुरू हो जाओ तो मौत का डर निकल जाएगा। तो जिसने अपनी रात बेदार कर ली उसने मौत को कन्वर्ट कर लिया। जो दिन को सो गया रात को सो गया और सो ही गया, बस वो मर गया। मौत से बचने का तरीका है कि रात बेदार हो जाए, क्योंकि रात को कोई ऐसा वक्त होता है कि माजी हाल और हाल मुस्तकबिल बन जाता है। रोशनी कायनात की खुशबू, चार सू उसने जात की खुशबू, फासले वक्त के सिमटते हैं जब महकती है रात की खुशबू। नीम शब का कोई लम्हा ऐसा होता है कि माजी हाल में आ जाता है और हाल मुस्तकबिल में बैठा होता है, और ज़मानो मकान की गर्दिश रुक जाती है। इसलिए उन लोगों को जो जागने वाले हों, शब बेदार हों, उनको नाला व आह सहरगाही दोनों मिलते हैं, बल्कि दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। ऐसा आदमी मौत से बच जाता है। जिस आदमी की ज़िंदगी के दो कंसेक्यूटिव डेज जो हैं वो आइडेंटिकल हों, वो मौत से नहीं बच सकता। बस इसके दो दिन बराबर गुजरे, यानी कल और आज का दिन बराबर गुजरा, उस पर मौत का डर आ ही जाता है। इसलिए कल के दिन से आज का दिन मुख्तलिफ करो। कल जो बनाया है उसे आज तोड़ दो तो मौत से बच जाओगे, और मौत के डर से बच जाओगे। कुछ ना कुछ नया वाकया करो, या पुराने वाकये में कोई नयापन पैदा करो। कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहना चाहिए, फिर मौत का डर कभी नहीं होगा। तो आपका मुशाहिदा बिल्कुल बरहक है। मौत जो है टूटने का नाम है, चाहे ख्याल टूट जाए, इंसान टूट जाए, रिश्ता हयात टूट जाए, या रिश्ता इंतज़ार टूट जाए। सबसे खौफनाक वो मौत है जब रिश्ता इंतज़ार टूट जाए, ये ज़्यादा खौफनाक मौत होती है। वरना इंतज़ार कायम हो तो वजूद के मरने के बाद भी इंतज़ार कायम रहता है। अगर इंतज़ार ना टूटे तो इंसान मौत से बच जाएगा। इंसान हमेशा मौत ही से तो बचा है। कमाल तो ये है कि आप आज के इंसान हो, और आपका सारा अमल माजी के इंसानों का इल्म है, और वो सारे इंसान मौत से बचे हुए हैं। आप कहते हो कि हम आज़ाद हैं, मगर आपकी कोई शय भी आज़ाद नहीं। आप कहते रहते हो कि फलां शख्स बड़ा फलसफी था, दरअसल ये कहता था फलां शख्स मैथमेटिशियन था या स्टैटिस्टिशियन था, और इनको क्वेट करते रहते हो। गोया कि आप ये साबित कर रहे हो कि आपने उसको पढ़ा है, कल भी आप उसकी किताबें सीखते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। गोया कि उस आदमी की बादशाही देखो कि मरने के बावजूद भी नहीं मरा, और आप जिंदा होने के बावजूद जिंदा नहीं हो। गोया कि यही जिंदगी है। आज का इंसान सबूत दे रहा है कि माजी का इंसान मरा नहीं है, माजी बहुत शानदार है। कोई पैगंबर क्यों नहीं मरा, क्योंकि वो मरने के बावजूद तुम्हारे तस्करों में है, तुम्हारी बातों में है, और तुम्हारी सांसों में है। जब तक आप अपने बाप को याद करोगे वो नहीं मरेगा। आपके वालदेन तो वैसे भी नहीं मर सकते, क्योंकि उसमें एक बड़ा राज ये है कि वो मरते वक्त जिंदगी अपने खून की शक्ल में आपको दे जाते हैं। जब तक आप जिंदा हैं आपके वालदेन जिंदा हैं, तो गोया कि जिंदगी जब तक जारी है वो पिछला बंदा नहीं मरता, क्योंकि अब वो खून की शक्ल में है, बाप की शक्ल में है, या इल्म की शक्ल में है। तो आपको इल्म हो या ना हो, आप वालदेन का खून हो। अब ये अजब बात है कि वालदेन के मर जाने के बाद भी इनका खून जिंदा बन के उनकी औलाद में जिंदा है। ये भी जिंदा रहने का एक तरीका है। ख्याल बनकर जिंदा इंसानों के जहन में रह जाना भी जिंदा रहने का एक तरीका है। बाज़ औकात कोई शक्ल बनकर वाकया जिंदा रह जाता है, यानी कोई मोमेंट, कोई निशानी, कोई मेमोरियल बना दिया गया। जिस किस्म का निशान लगा दिया वो निशान मरने वालों की याद बन गया। मसलन 23 मार्च का निशान लग गया, या समिट कॉन्फ्रेंस का निशान लग गया। इस निशान को देखकर आने वाले पूछेगा कि ये क्या है, तो उसे पता चलेगा कि यहाँ एक वाकया हुआ था। तो जाने वालों ने जाने से पहले आने वालों के लिए कोई किताब नहीं छोड़ी है।
बल्कि एक वाकया छोड़ दिया और एक निशान छोड़ दिया। अगर किसी बुद्ध मत वाले ने पहाड़ पर कोई निशान लगा दिया तो आज तक वो निशान लगा रहेगा। तो ये है अपनी ज़िंदगी के बाद भी जिंदा रहने का एक अमल। मसलन कुछ शख्स ख्याल बनकर, शक्ल बनकर, मोमेंट बनकर या किताबें बनकर जिंदा रहे, और सबसे आला जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। वो कलमा बनके और दरूद पाक बनके आज तक ज़िंदगी के अंदर मौजूद हैं। अब सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नाम भी लेते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को ईमान भी समझते हैं और दरूद भी पढ़ते हैं। तो आने वाले जो हैं ये जाने वालों की ज़िंदगी को नुमाया करते हैं। कौन लोग हैं जो मर गए हैं? मरा वो जो याद ना रहा, फॉरगेट हो गया। ऐसा शख्स ज़िंदगी में मर जाता है। अगर आप उस शहर के 20,000 आदमियों को जानते हैं तो बाकी शहर की जो आबादी है वो लोग आपके लिए नहीं हैं, क्योंकि आप उन्हें नहीं जानते। वो आदमी जो ज़िंदगी में भूल जाए या भुला दिया जाए, वो आदमी पहले ही मर चुका है, और मरने के बाद भी जिसको ना भुलाया जाए वो वैसे ही ज़िंदा है। आप ये देखो, कुछ लोग ज़िंदगी में मर गए और कुछ लोगों की कब्रें आज तक जिंदा हैं, मज़ार जिंदा हैं। अगर आप बचपन में किसी मज़ार पर जाएं तो उसके साथ वाबस्तगी हो जाती है। अब मज़ार के साथ आपकी बचपन की जो वाबस्तगी है वो आपका माजी प्रिजर्व करेगी, और इस तरह आपके अंदर मौत का डर ख़त्म हो जाएगा। मौत का डर कब होता है? जब कोई वाकया जवाल पजीर हो रहा हो। और अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जो हमेशा से वैसी ही जगह है और हमेशा से वही ख्याल मौजूद है, जैसे कोई आस्ताना या मज़ार हो और इसमें तब्दीली ना आई हो बल्कि वो मज़ार बेहतर से बेहतर होता जा रहा हो, तो आपका ख्याल प्रिजर्व हो जाएगा। तो ख्याल को किसी ऐसी जगह वाबस्ता करना चाहिए जहाँ जवाल ना हो, फिर ये ख्याल आपको मौत के डर से बचा देगा। इसी तरह अगर ख्याल खुदा से वाबस्ता हो गया तो ये ख्याल ऐसा ख्याल है जो ख़त्म नहीं होगा और आपके अंदर से फियर ऑफ डेथ निकल जाएगा। खुदा का ख्याल ऐसा ही रहेगा, इसमें नाउज बिल्ला तब्दीली नहीं आ सकती कि खुदा पिछले साल कुछ और था और अब कुछ और है। खुदा ताला यानी जैसे था वैसे ही अब है। इस तरह आप मौत के खौफ से बच जाएंगे। मौत जो है ये आपके अपने जवाल के एहसास का नाम है, बुढ़ापे के एहसास का नाम है। और अगर आप किसी ऐसी चीज़ से वाबस्ता हो जाएं जिसको जवाल नहीं, मसलन नेचर के साथ हो जाएं, तो आप मौत के डर से बच जाएंगे। यानी जो कुछ है फना हो जाएगा और सिर्फ तेरे शान व अकराम वाले रब का चेहरा बाकी रह जाएगा। अब उस चेहरे का ख्याल तुझे बाकी रखेगा। लिहाजा जब आपकी वाबस्तगी उन लोगों के साथ होगी जिनको मौत नहीं आया करती, और वो लोग एक आरजू के लोग हैं, अगर उनको याद करो तो फिर मौत से बच जाओगे। मौत से बचने का एक आसान तरीका ये है कि अपनी ज़िंदगी की कदर व कीमत महसूस करो और उसको किसी एक काम पे लगा दो। सिर्फ जिंदा बराए जिंदा रहना है तो फिर मौत का डर पीछा नहीं छोड़ता। उसके अलावा मौत से बचने का कोई तरीका नहीं है। आज आपका इल्म यही बता रहा है कि पुराने लोग जो हैं वो मरे नहीं हैं, क्योंकि वो किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी से निकल कर आपके दिलों में आ गए या आपके दिमाग में आकर बैठ गए। उनमें से कोई आपका दिल बन गया, कोई राइटर होगा, कोई किसी ख्याल का होगा, कोई किसी बात का कहने वाला होगा, कोई फलसफी होगा जो आपके जहन में आके बैठ गया। ये उन लोगों का कमाल है कि माजी से निकल के हाल में जलवागर हो गए। अगर आप इतना काम कर जाओ तो आप हाल से निकल कर मुस्तकबिल में जलवागर हो जाओगे। इस तरह आपको मौत का डर नहीं रहेगा। अगर मुस्तकबिल के लिए कोई सा काम कर जाओ तो भी मौत के खौफ से बच जाओगे। अपनी आरजुओं को हाल से निकाल कर किसी मुस्तकबिल की तरफ ले जाओ, और कोई ऐसा काम कर जाओ जिसका ताल्लुक मुस्तकबिल के इंसान से हो और मुस्तकबिल के इंसान के दिल में बैठ जाओ या उसके दिमाग में बैठ जाओ, तो आपके पास कभी भी मौत नहीं आएगी। यही है शहीदों का अमल, यही है पैगंबरों का अमल, यही है मुफक्करीन का अमल, यही है सोशल रिफॉर्मर्स का अमल, सबका अमल, सारी कायनात का अमल। यानी जितने भी इंसान इस दुनिया में काबिल जिक्र हैं सारे अपने हाल से निकल के मुस्तकबिल में जाके बैठ गए। आपको भी ये दावत है कि हाल से निकलो और माजी में जाने की बजाय मुस्तकबिल का सफ़र करो। मुस्तकबिल का सफ़र है कोई वाकया ले जाना, कोई सी कंट्रीब्यूशन कर जाना। मुस्तकबिल होता है और हासिल जो है ये माजी होता है। आप जो हासिल कर रहे हैं इसका नाम क्या है? माजी। कंट्रीब्यूशन क्या है? वो मुस्तकबिल है।
अब हाल के आदमी को सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए अगर आपकी कोई कंट्रीब्यूशन है तो आप मौत से नहीं बचोगे। अगर ये कंट्रीब्यूशन मुस्तफीद कर रही है तो आप मौत से बच जाओगे। तो अपने कंट्रीब्यूशंस को आने वाले इंसान के जहन से सोचा करो और आने वाले इंसान के दिल से सोचा करो और आने वाले ज़बानों की रूह से सोचा करो। अगर उसके अंदर आप अपनी कंट्रीब्यूशन दे गई तो फिर आप मौत से बच गई। दाता गंज बख्श रहमतुल्ला की कशफुल महजूब बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन उनकी ये कंट्रीब्यूशन आज तक आ रही है। ये है उनका कमाल के कहाँ से चले हैं और कहाँ आके लोगों के दिलों पर जलवा कर गए हैं। उनको मौत का डर नहीं है, उनके लिए सलाम है। बस इतनी सी बात करनी है कि एक आरजू पैदा कर लो, लालच से निकल जाओ, खौफ से निकल जाओ और उन लोगों से वाबस्ता हो जाओ जिनको मौत नहीं आई है। ऐसी ज़ात से वाबस्ता हो जाओ, इटर्नल क्लास से वाबस्ता हो जाओ, हमेशा रहने वाली बात से वाबस्ता हो जाओ। कोई कंट्रीब्यूशन ऐसी कर जाओ या अगर शब्बेदारी कर जाओ तो भी मौत का डर नहीं है, या किसी की इताअत में लग जाओ फिर भी मौत का डर नहीं है। गुलाम को मौत नहीं आती क्योंकि वो गुमराह नहीं होता, यानी कहना मानने वाला कभी गुमराह नहीं होता क्योंकि उसने कहना ही मानना है। उसने गुमराह क्या होना है, गुमराह वो होता है जो खुद राह तलाश करे, उसके गुमराह होने का इम्कान है, उसको मौत के डर की कैफियत रहेगी। अगर कोई शख्स गुलामी भी कबूल करे और अपना रास्ता भी तलाश करे तो उसका क्या हाल होता है? ये तो इन दोनों का म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि उसने जिसकी गुलामी कबूल की है अगर उसने उसको रास्ता तलाश करने का इज़्ज़त दे रखा हो तो ठीक है। रास्ता तलाश करना या तो गुस्ताखी है या ऐन इजाज़त है। इजाज़त के जरिए रास्ता तलाश करना मुमकिन हो सकता है। जिसकी भी गुलामी हो उसका हुक्म मानना ज़रूरी है। इजाज़त से तलाश करने वाला हुक्म मान रहा है और ये ठीक है। वो शख्स या तो कहना माने या फिर अपना हिसाब खुद देखे। खुद रास्ता देखना मीनिंगलेस क्वेस्ट है और उसकी सज़ा है मौत का डर। बेमसर्रफ या बेमकसद ज़िंदगी की सज़ा अल्लाह ताला ने मौत का डर रखी है। बामकसद और बामसर्रफ ज़िंदगी को मौत का डर नहीं है। वो ज़िंदगी भी मरती है मगर डरती नहीं है। परवाना मरेगा ज़रूर मरेगा, लेकिन मौत का शौक होगा, शौके शहादत होगा और अनवारे शमा होंगी। मुस्तकबिल में ज़िंदा रहने की आरज़ू या ख्वाहिश या अपने बाद अपना नाम छोड़ने की आरज़ू या ख्वाहिश को क्या कहेंगे? इस वक्त आप इस जज्बे को इस्लाह ही कहो। अगर आपका इस तरह का मिजाज नहीं है तो ये सिर्फ इत्तला ही है, और अगर आपके मिजाज, आपके टेस्ट और आपके अंदर वो चीज़ मौजूद होगी तो शायद इसको कोई रुख मिल जाएगा। अगर आपका मिजाज या ख्वाहिश नहीं होगी तो इल्म को कितना ही बयान करो वो घर से बाहर नहीं निकलेगा। बेहतर ये है कि हाल के फैसले मुस्तकबिल की तरफ ना भेजे जाएं। फिलहाल अपने हाल से निकलकर मुस्तकबिल की तरफ जाना उतना ही अहम है जितना हाल से निकलकर माजी की तरफ जाना है। जो इल्म माजी की तरफ नहीं जाता उसे मुस्तकबिल का कोई पैगाम नहीं मिलता। ऐसा इल्म आज़ाद है, पंची है, वो ना जिंदा है ना मरता है, उसको छोड़ दो, उसकी बहस ही नहीं है। इंसान दरमियान में है। बाशऊर आदमी वो है जो माजी से इल्म हासिल करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मुस्तकबिल के लिए कोई कंट्रीब्यूशन करने के शौक में इंसान हाल के तकाजों और फराइज से बेखबर हो जाए? मैं मुस्तकबिल के कंट्रीब्यूशन की दावत नहीं दे रहा, मैं सिर्फ इत्तला दे रहा हूँ कि इस काम के लिए अल्लाह ने इंसान बनाए हुए हैं। वो अलग मिजाज के होते हैं, उनके यहाँ बहस नहीं होती। मतलब ये है कि आजकल के ज़माने में मोहब्बत करना बेवकूफ़ी समझा जाता है, और जो मोहब्बत के लिए पैदा हुआ है उसको आप क्या इत्तला देंगे? अब आँख लड़ जाने का कोई फार्मूला उसे बताएं या ना बताएं, वो पैदा ही इस काम के लिए हुआ है। मजनू जिसका नाम है वो पैदा ही इस काम के लिए हुआ है। लैला उसके लिए पैदा हुई है। अब ये मिजाज अलग अलग हैं, उनके लिए सब ज़माने एक जैसे होते हैं। गमज़दा इंसान के लिए हर ज़माना एक जैसा ज़माना होता है। गमज़दा इंसान से पूछे कि सुनाओ क्या हाल है तो वह कहेगा कि वही हाल है, जो गम कल था वही आज है, और आंसू जो हैं बेताब हैं किसी नए गम के इंतज़ार में। ये इसलिए है कि उसकी आदत बन चुकी है, अब वो नए गम के इंतज़ार में रहता है और यूँ उसका रोना कायम रहता है। अगर उसे कहें कि कल तो किसी और बात पर रो रहा था, अब तो किसी और बात पर रो रहा है, तो वह कहता है कि रोना जो है ये मेरा मिजाज हो गया है। तो मोहब्बत मिजाज बन जाती है। जिन लोगों का मिजाज नफरत हो उनको महबूब का रास्ता नहीं मिला करता।
जिसका मिजाज मोहब्बत है वो खुद ही महबूब ढूंढ लेगा। मिन्नत रहबर न कर मंजिलों कारवां न पूछ, ढूंढ ही लेगी खुद जबी हुस्न का आस्ताना पूछ। तो ये पूछने वाली बात नहीं होती, बल्कि जबी खुद ही आस्ताना दरियाफ्त कर लेती है। ये मिजाज की बात है। अगर ये मिजाज ही की बात है तो फिर तालीम, तरबियत, तज़किया, रिश्ते, हदायत, पीरी फकीरी, ये सब क्या है? यही तो बता रहा हूँ आपको कि ये सब मिजाज की बात है। तज़किये का अपना मिजाज है, पीरी का एक मिजाज है। अमल अगर गैर मिजाज वाले को दे दिया जाए तो वो हलाक हो जाएगा, खुदकशी कर लेगा, वो मर जाएगा, लेकिन ये काम नहीं कर सकेगा। यही आसान बात तो बता रहा हूँ आपको कि जो इस काम के लिए नहीं बना उसके लिए वो काम आसान नहीं है, और जो जिस काम के लिए बना है उसके लिए वही काम आसान है। आम आदमी की बात देखें, जो काम आप नहीं जानते वो काम आपके लिए मुश्किल तरीन वाकया है, और जिस काम का आपका मिजाज ना हो आप नहीं कर सकते। पीरी एक मिजाज है, मुरीदी भी मिजाज है, तज़किया भी मिजाज है। पैदा करने वाले ने बता दिया कि ये शख्स दुनिया का तालीमगार है और ये दीन का तालीमगार है। मैं ये सब बनाता हूँ, और शहद की मक्खी पर हमने अलहाम कर दिया कि तू शहद बना, और खूबसूरत को खूबसूरत बनाया, और मिजाज भी हम बनाते हैं। कुछ लोग इंसानों से बेजार होते हैं और कुछ लोग इंसानों से मोहब्बत करते हैं और इसमें मर जाते हैं, लेकिन इंसानों को तकलीफ नहीं देते। बेशुमार ऐसे लोग हैं। अगर कोई पूछे कि आपकी ज़िंदगी में क्या ख़ास बात है तो वो कहता है कि मुझे इंसानों से मोहब्बत है। इंसानों से मोहब्बत एक मिजाज है, और ऐसे लोग कुर्बानी देते जाते हैं, और ये भी मिजाज है कि कुछ आदमी जो हैं वो हासिल करने लगते हैं। अगरचे सब ने छोड़ जाना है, लेकिन वो हासिल वाला आदमी और होगा और देने वाला आदमी और होगा। ये सब मिजाज की बात है। सोजे दिले परवाना मगज राना दहिन, यानी परवाने का दिल मगज को नहीं मिलेगा। परवाने का दिल और होता है और मगज का दिल और होता है। परवाना और मिजाज है और मगज एक और मिजाज है, दोनों के मिजाज अलग हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने मिजाज को दरियाफ्त करो। अगर आप अपना मिजाज दरियाफ्त नहीं करोगे तो हलाक हो जाओगे। कभी किसी दूसरे का बोझ ना उठाओ। शेक्सपियर एक मिजाज है, गालिब एक मिजाज है, तुम वो नहीं बन सकते, क्योंकि वो मिजाज से बने हैं, किसी ट्रेनिंग से नहीं बने कि मशके सखन से ऐसे हो जाएं। इसी तरह बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्ला और वारिस शाह रहमतुल्ला हैं, ये किसी एकेडमी से नहीं बनते। गालिब से बेहतर कोई शायर नहीं होगा। वारिस शाह इस वारिस शाह, ये मिजाज हैं। खालिक मतलक ने तख्लीक फरमाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शाम के वक्त आज़रदा हो जाते हैं कि आज मेहमान कोई नहीं मिला, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसलिए आज़रदा होते हैं कि आज मेज़बान कोई नहीं मिला। कुछ लोग इसलिए आज़रदा होते हैं कि आज मुझे किसी ने ज़िच नहीं किया। ऐसे मिजाज भी होते हैं कि कहते हैं आज सारा दिन कुछ नहीं किया, चलो कुछ हंगामा करना चाहिए, कुछ हलचल करनी चाहिए। सारी कायनात में हर एक का अपना मिजाज है। वो जो हम मिजाज है वो भी अलग मिजाज है। ये ख़ास बात याद रखना, यानी दो हम मिजाज भी अलग मिजाज होते हैं। होता ये है कि उन दोनों के मिजाज के अंदर अगर काइंड का फ़र्क ना हो तो डिग्री का फ़र्क ज़रूर होगा, और ये जो फ़र्क है आगे जाके बहुत बड़ा फ़र्क बन जाएगा। इससे तो ये पता चलता है कि अगर अल्लाह ने हर शख्स को एक ख़ास मिजाज दिया है तो उसका एक ख़ास काम भी ज़रूर उसने कहीं रखा हुआ होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ वही मिजाज कर सकता है। उस मिजाज को कैसे तलाश किया जा सकता है? क्यों नहीं, उसका ज़रूर पता चल सकता है। अगर कोई शख्स पूछ के जवानी गुजारे, जो शख्स पूछ के शादी करे, और जो शख्स पूछ के सोना चाहे कि मुझे नींद आ रही है, तो उसे कहा जाता है कि सो जाओ। जिस शख्स को सोने का पता है, जागने का पता है, खाने का पता है, शादी का पता है, हासिल का पता है, महरूमी का पता है, उसको मकसद हयात का पता क्यों नहीं चलेगा? उसके पास इख्तियार होगा, उसका एक मकसद हयात होगा, मगर ना वो कॉमन लॉट में से होगा। जिस तरह बाकी सब लोग हैं, बेशुमार लोग हैं जिनको मकसद हयात समझ नहीं आया, वो इस दुनिया में आए, रहे और चल दिए। मकसद हयात जो है ये बगैर एफर्ट के दरियाफ्त होता है, ये खुद चमक मारता है। मकसद हयात तन्हाई की डिस्कवरी है, शब बेदारी की डिस्कवरी है। मकसद हयात अपने असल नाम की दरियाफ्त है। कोई शख्स आपको इस तरह ऑप्टिमाइज नहीं कर सकता कि आपको कोई मकसद हयात दे दे। आप मकसद हयात खुद ही तो हो। ये वो जगह है जहाँ आप मौजूद तरीन हो। ये आपका अल्लाह ताला से तकाजा होता है कि या अल्लाह मैं ज़िंदगी में ये काम करना चाहता हूँ,
ये तकाजा या दुआ आपकी अपनी दरियाफ्त है। क्या इस मकसद हयात की तलाश में कोई शख्स हमारी मदद कर सकता है? सब लोग मदद करेंगे, सारे आपकी मदद करेंगे, सारा माहौल मदद करेगा, बशर्ते कि आप भूल ना जाओ कि आप मकसद हयात की तलाश में हो। आपने 10 मिनट बाद अपना रास्ता बदल जाना है और कहोगे कि पहले मैंने घर जाना है। मकसद हयात तलाश करने वाला तो मकसद हयात लेके आता है। वो जो बाकी चीजें रिकावट की हैं वो बंद करो, जो काम मकसद हयात नहीं है वो छोड़ जाओ, और जो उसमें रिकावट वाली बाकी चीजें हैं वो छोड़ जाओ, इनको इलिमिनेट कर दो। जो मकसद हयात नहीं है उसको छोड़ दो कि ये मेरा मकसद हयात नहीं है। जो चीज रास्ते से उठाई थी अब उसे फेंक दो। मसलन आपने देखा कि एक उकाब को जमीन पर कोई चीज नजर आई, उसने जमीन पर आके झपटा मारा और वो चीज उठा कर ले गया। रास्ते में उसने देखा कि ये तो कोई मरी हुई चीज है, तो उसने वो चीज वहीं फेंक दी। वो चीज जितनी देर उसके पंजे में रही उतनी देर वो मरी हुई चीज प्रवास करती रही, और फिर जब बेजान चीज अपने बेजान लाशे समेत गिर गई तो रूह सुए लामका उड़ गई। जब तक रूह साथ थी तो रूह और जिस्म दोनों प्रवास कर रहे थे, और रूह जब वापस चली गई तो उसे कहो कि अब बोलो। अब वो क्या बोलेगा? उस चीज को प्रवास देने वाली चीज रूह है। बुजुर्ग एक बड़ी मिसाल देते हैं कि जब आप दीवार पर रोशनी डालें तो दीवार कहती है मैं मनोवर हूँ। जब रोशनी चली गई तो आप दीवार से पूछोगे तो कौन है? वो कहेगी मैं वही दीवार हूँ। तो दीवार को मनोवर करने वाली कोई और चीज थी। इसी तरह आग के अंदर जो लोहा है वो लोहा भी आग हो जाता है। लोहा ये समझता है कि मैं आग हो गया हूँ, और अगर आग बुझ जाए तो लोहा फिर लोहे का लोहा रहता है। तो मुद्दा ये है कि मकसद हयात की तलाश करने का अलग फार्मूला है। उसका तरीका ये है कि आप वो आदमी ढूंढो जिसका नाम आपका मकसद हयात हो। तो मकसद हयात जो है वो किसी को खुश करने का नाम होना चाहिए, लेकिन वो अना नहीं होनी चाहिए। अना के लिए मकसद हयात जो होता है वो भी मौत ही है। मसलन अना के लिए मकसद हयात ये बना लिया जाए कि कारखाना, तरक्की, मकान वगैरह हासिल करते जाए, तो ये मौत ही है। मकसद हयात किसी शख्स की खुशनुदी बनाओ, और अगर आप उस हद तक पहुंच गए और वो आपसे खुश हो गया तो समझो कि आपका मकसद हयात पूरा हो गया। तो मकसद हयात एक तो ये हुआ कि मंजिल का पता मिल गया कि किसको खुश करना है, या फिर अपने इस्तेदाद को दरियाफ्त कर लेना भी मकसद हयात है। अल्लाह की कायनात बड़ी वसी है। एक आदमी पहलवान हो और दूसरा राइटर हो तो हर आदमी दोनों काम तो नहीं कर सकता। इनमें से एक काम चुनना होगा और फिर इसको कभी बदलना नहीं। इस तरह कुछ नहीं मिलेगा, इस तरह मौत से नहीं बच सकते। मौत से बचने का आसान तरीका ये है कि आप अपनी कोई इस्तेदाद या सिफत दरियाफ्त कर लो। ऐसी सिफत जिस पर बाकी सिफात को आप कुर्बान करने के लिए तैयार हो, और ऐसा बंदा ढूंढ लो जिसके बाकी बंदे छोड़ने के लिए आप तैयार हो जाए। वो बंदा आपका महबूब होगा, और महबूब की निशानी ये है कि जिसकी खातिर दूसरों को छोड़ा जा सके। महबूब की निशानी ये है कि उसके नाम के सामने और कोई नाम ना रहे, कोई मफहूम ना रहे, ना कोई और मकसद हयात रहे। अगर ऐसा नहीं है तो ये अना है जो बिगड़ती रहती है, मरती रहती है और फना होती रहती है। एक तो कुदरती मौत होती है और एक मायूसी की हालत होती है जिसे मिनी डेथ भी कह सकते हैं। आपके फरमान के मुताबिक अगर किसी से वाबस्तगी हो तो मौत का डर खत्म हो जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि तबीयी मौत का डर तो खत्म हो जाता है, लेकिन अगर किसी टारगेट को हासिल ना कर सके तो बड़ी मायूसी होती है और मिनी डेथ की हालत हो जाती है। इसका क्या सबब है? मौत के बाब में टारगेट कोई नहीं होता, मौत के बाब में सिर्फ जिंदगी होती है, और वो मौत के डर से आजाद होती है। जिंदगी में जितना हासिल करोगे वह मौत का डर बनेगा। मौत का डर वाबस्तगी के मुताबिक है। आप अगर किसी से वाबस्ता हो जाओ और उसके बरक्स चीजों से भी वाबस्ता हो जाओ, यानी ये कहो कि मैं खुदा से वाबस्ता हो गया हूँ, लेकिन दुनिया के वाकयात की भी बड़ी जरूरत है, तो मौत का डर जरूर रहेगा। जिसके पास जितनी बड़ी सल्तनत होगी उसको मौत से उतना बड़ा डर होगा। जितना सरमाया बढ़ता जाता है उतना ही मौत का डर बढ़ता जाता है। जितना हासिल बढ़ता जाता है उतना ही छिन जाने का अंदेशा बढ़ता जाता है। तो मौत का डर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक आरज़ू चाहिए। मिनी डेथ कोई नहीं होती कि हर रोज कोई शख्स मरता जाए और हर रोज जीता जाए। आप रोजाना रात को सो जाते हो और सुबह को जाग जाते हो। अल्लाह ताला फरमाता है क्या तुम्हें सुबह का जागना नजर नहीं आया कि रात को तुम थे ही नहीं और आज सुबह फिर मेरे फजल से तुम बेदार हो गए हो। क्या तुम्हें शुक्र करना ना आया? रास्ता बड़ा ना खुशगवार था लेकिन घर पहुंच गए हो, और अब घर आके गिला कर रहे हो।
शुक्र अदा करो। अब रास्ते की खराबी का गिला क्या करना, इसलिए जो हुआ उसकी फिक्र ना करो और जो नहीं हुआ उसका शुक्र अदा करो। इस तरह मायूसी या मौत कोई शय नहीं रहती, मौत बरहक है। लेकिन आप घबराओ नहीं, मौत का खौफ एक वहमा है। मौत अपने वक्त से ना एक मिनट पहले आ सकती है और ना एक मिनट बाद। तो मौत का डर एक वहमा है, क्योंकि जब तक आप जिंदा हैं मौत ने नहीं आना, और जब उसने आना है तो आपने होना नहीं है। इसलिए डर किस बात का, क्योंकि जब तक आप हैं वो आपके घर नहीं आ सकती, और जब नहीं होंगे तो डर किस बात का। आम तौर पर जब हालात से मायूसी हो जाती है तो मौत से डर लगता है। मायूसी लालच का नाम है। अगर लोभ निकल जाए तो मायूसी नहीं आती। लालच, लोभ और एम्बिशंस का नाम मायूसी है। आपने एक पहाड़ हासिल किया, उसके ऊपर एक और पहाड़ रखना, फिर तीसरा पहाड़, चौथा पहाड़ रखते ही सब कुछ धड़ाम से नीचे गिरेगा। इस बात से आप डर जाते हैं, वरना तो खौफ कोई नहीं है। आरजुए थोड़ी कम कर दो, यानी कम से कम आरजुए रखो तो मौत का डर नहीं होगा। आरजू का नाम ही डर है, और आरजू छिन जाने का डर होता है। लालच निकल जाए तो मौत से डर निकल जाएगा। मौत का वक्त मुकर्रर है, लेकिन आजकल साइंटिफिक एडवांसेस से पूरी दुनिया में एवरेज लाइफ जो है वो इंक्रीज कर गई है। अल्लाह ताला ने क्या मौत के लिए वक्त मुकर्रर कर दिया है? अल्लाह पाक ने मौत के अवकात पहले ही मुकर्रर किए हुए हैं। आज से पहले जब साइंस इतनी एडवांस नहीं थी तो उम्र 800 साल होती थी और 900 साल होती थी। अभी तो आप ऊपर की तरफ जाने की तैयारी कर रही हैं। अगर हमारे जाने के बाद 200 साल उम्र हो भी गई तो हमारे किस काम की? अगर वो चीज़ जिंदा न रही जिसके लिए आप जिंदा थे, और आप जिंदा रह गए तो फिर क्या जिंदगी है? साइंस जो है वो अल्लाह ताला के खिलाफ किसी शय का नाम नहीं है। साइंस और अल्लाह की बड़ी सुलह है, लेकिन मुसलमान और साइंस की सुलह नहीं हो रही। ये होनी चाहिए। अल्लाह ताला लाइफ एवरेज को साइंस के बगैर भी ज़्यादा कर सकता है। साइंस के बगैर भी उसने लंबी उम्रें दी हुई हैं। 900 साल एवरेज होती थी, 800 साल होती थी, 500 साल होती थी। मैं मौत के ज़िमन में एक बात और पूछना चाहता हूँ कि मौत तो आनी है और आ जाएगी, लेकिन असल जो डर है मौत के बाद का है, कि मौत के बाद क्या हाल होगा। ये जो बात है कि मौत तो आनी है और आ जाएगी, असल में ये हर आदमी के लिए अलग सवाल है और उसका अलग जवाब है। मौत ये नहीं है कि सांस खत्म हो जाए, मौत ये है कि इंसान लोगों की निगाह से गिर जाए। लोगों के मियार अलग अलग होते हैं। ये हकीकत की बात है कि मौत आपकी अपनी मौत नहीं है, बल्कि आपकी अपनी पसंदीदा चीज़ की मौत है। अगर ये पता चल जाए कि महबूब मरने के बाद मिल जाएगा तो बेशुमार लोग मौत को कबूल कर लें। अगर मौत से महबूब की जुदाई होती है तो फिर वो कहते हैं कि मौत का डर है। अगर किसी को ये पता चल जाए कि ये जो हासिल नहीं हो रहा वो मरने से हासिल हो जाएगा तो बेशुमार लोग मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। बेशुमार लोग ऐसी ख्वाहिश रखते हैं, आप मरने से पहले को याद रखो, क्योंकि मरने के बाद का ना कोई आपको बताएगा और ना कोई इसका सबूत है। मरने के बाद के जो खौफनाक मनाजिर होंगे उनसे बड़ा डर लगता है। मैंने ये बात आपके लिए आसान कर दी थी कि मरने के बाद कुछ खौफनाक नहीं है, अगर तौबा कर ली, क्योंकि तौबा करने वाला मरने वाला जो है वो आफियत में है। तौबा की बात आपको बताई थी कि अपने अल्लाह से रजू रखना कि मुझसे गलती हो गई है। जब आपके मुस्तकबिल का ख्याल माजी की जद में आए तो ये तौबा का वक्त है, यानी जब माजी का ख्याल मुस्तकबिल की फ्लाइट पर असरअंदाज होने लग जाए तो ये वक्त तौबा का है। मसलन आपने एक उम्दा प्लान बनाया है और बहुत शानदार स्कीम बनाई, और अगर इस प्लान या स्कीम पर काम ना करें तो ये तौबा वाली बात होगी। ये ख्याल आपको मुस्तकबिल का मनसूबा नहीं बनाने देता। अगर आपने एक नई शादी के लिए मनसूबा बनाया तो पुरानी शादी इसकी इजाज़त नहीं देती है। यहाँ तौबा करो, क्योंकि गलती है। और आपने कोई नया मनसूबा बनाया और पिछले मनसूबे जो हैं वो इसको नहीं चलने देते, तो आप अल्लाह वाले बन गए और पीर बनने के अहल हैं। तौबा इसलिए है कि ज़िंदगी में आपने कई गलत बीज बोए हैं, और तौबा से इंसान मासूम बन जाता है। अगर माजी में कोई ऐसा अमल सरजद हुआ है जिसके नताइज मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे मुस्तकबिल के अंदेशे में माजी याद आता है। ये तौबा का वक्त है। तौबा करके मरने वाले के लिए कभी भी मरने के बाद का मंजर खौफनाक नहीं होगा। जिस तरह आपका आखिरी सांस होगा वैसे ही आपकी पोजीशन होगी। इंसान जिस ख्याल में मरेगा उसी में उठेगा, जिस कैफियत में मरेगा उसी कैफियत में उठेगा, और जो चीज़ पढ़ते हुए मरेगा वही पढ़ते हुए उठेगा। लिहाजा ज़िंदगी को एक कैफियत दे दो ताकि आप उस कैफियत में उठो।
वरना तो डरते डरते मरोगे और मरते मरते डरते जाओगे। इंसान जब उठेगा तो पूछा जाएगा कि तुम कितना अरसा मरे रहे हो, जैसे सहाबे कहफ से पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि एक दिन या दो दिन। उनको क्या पता कि कितनी मुद्दतें गुजर गई और कितनी सदियां गुजर गईं। इसलिए आप एक ख्याल में रहो, इसलिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कलमा पढ़ा जाए और हर रोज़ कई दफ़ा पढ़ते रहना चाहिए। एक दफ़ा कलमा पढ़ा जाए तो मरने का मंजर मौत के बाद आसान हो जाएगा। कलमा मिलके भी पढ़ना चाहिए, लिहाजा सब मिलके पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अगर एक घर में रहने वाले 20 आदमी कलमा पढ़ें तो 20 दफ़ा कलमा हो गया। इसलिए दुआ करने वाले आदमी 20,000 हो जाएं तो दुआ 20,000 हो सकती है। इसलिए आपके घरों के अंदर जहां मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आती हैं, वहां अच्छी आवाज़ें भी आ जानी चाहिए। कलमे का अच्छा असर पड़ेगा, इसका अच्छा असर पड़ता है। आने वाले लोगों के लिए दुआ करो और मरने वाले लोगों के लिए दुआ करो। जो आज यहाँ आना चाहते थे और ना आ सके, उनके लिए भी दुआ करो और अहले खाना के लिए भी दुआ करो, बल्कि सबके लिए दुआ करो। सबको आसानी हो और मकसद हयात दरियाफ्त हो जाए। हाँ, एक बात का ख्याल रखना कि मकसद हयात जिस बेचारे की इस्तेदाद नहीं है, खुदा के लिए उसे माफ़ कर दो। उसको कोई मकसद हयात ना देना। जिसमें इस्तेदाद नहीं है उसे कोई मकसद हयात ना दो, बल्कि उसे कहो कि अपना वक्त आसानी से गुजारे और मेहनत करता जाए। अंदेशा ना करें, सब मिल जाएगा और फिर वक्त पूरा हो जाएगा। मुझे वहम है कि मुझ में इस्तेदाद है, लेकिन मैं अमली तौर पर यह देखता हूँ कि मुझे कोई चीज़ हासिल नहीं हो रही। अगर इस्तेदाद हासिल में नहीं बदलती तो कैसे पता चलेगा कि इस्तेदाद थी? इस्तेदाद और हासिल में बड़ा फ़र्क है। इस्तेदाद और चीज़ है, हासिल और चीज़ है। बेशुमार लोगों की इस्तेदाद जो है वो फौरी तौर पर ज़ाहर नहीं होती है, क्योंकि सब्जियाँ जल्दी उगाती हैं और हीरे जवाहरात देर से बनते हैं। इस्तेदाद का फौरी इजहार ज़रूरी नहीं है। इस्तेदाद अपने आप के साथ रुत है, उसके ज़ाहिर होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस्तेदाद के ज़ाहिर होने का वक्त होता है। ऐसे लोग भी आए जो 50 साल बाद ज़ाहिर हुए हैं। ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं जो बहुत देर में जाकर ज़ाहिर हुए हैं। अर्ज़ ये है कि अगर एक आदमी जो माशरे में जी रहा है, वो देखता है कि मुझमें तालीम है, सोच है, मैं तजिया कर सकता हूँ, मेरी कही हुई बात दूसरों से बेहतर है, वो इस वहम में मुब्तला हो जाता है कि मेरे जिम्मे इस माशरे की तरफ से एक कर्ज है, मैंने इसमें एक अच्छाई की खातिर तब्दीली करनी है, तो ऐसे शख्स को क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, ये गलत है, हम इसको मानते ही नहीं। अच्छाई की खातिर तब्दीली करने वाला हमेशा अच्छाई के मौके तलाश करता रहता है। आपके पास अगर कोई बहुत बड़ा मंसूबा नहीं है तो माशरे में इतना सारा काम कर लो कि किसी एक को छोटी सी आसूदगी दे दो, समझ लो आपका काम हो गया। माशरे में बहुत बड़ी तब्दीली करनी है तो फिर माजरत ख्वाही के साथ ना करो कि मैं बहुत बड़ा इनकलाब ला सकता हूँ और ज़मीन को हिला सकता हूँ, मगर मुझे लीवर नहीं मिल रहा कि जिससे मैं ज़मीन को हिलाऊँ। अगर बड़ा काम नहीं कर सकते तो छोटा सा अच्छा अमल कर लो। पहले अपने अंदर तब्दीली पैदा करो, अपने अंदर आसूदगी पैदा करो, अपने हालात बदलो और फिर समाज के हालात बदलो। पहाड़ पर जाना है तो पहाड़ पर पहुंचने से पहले सांस तो ना टूटे, पहले खाना खा के जाए। अगर वो शख्स खाना भी पहाड़ से लेना चाहता है तो ये गलत है। समाज में सलाह करने वाला ये सोच रहा होता है कि इससे मेरे मसाइल भी हल हो जाएंगे। लोगों की सलाह से पहले अपनी सलाह करो। मुझे मेरा असल नहीं मिल रहा कि मेरा असल है क्या? आपका असल ऐसे नहीं है कि चांस से मिल जाए। असल सबसे पहले ये है कि आप पहले अल्लाह ताला के अहकाम को अपनी ज़िंदगी में राइज करो, अपने हालात पर राज़ी रहने की तौफीक पैदा करो, अपने रिज़क के अंदर रहने की कोशिश करो, इस्तेदाद को बरोए कार लाने के लिए काम करो, तब आपकी इस्तेदाद बरोए कार आएगी। घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये आज के दिन नहीं तो कल के दिन होगा। इस्तेदाद की ख्वाहिश में सफ़र जो है ये भी कामयाबी का सफ़र है। आपको मायूस नहीं होना चाहिए, इंसान को उसका असर मिल सकता है।